हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं माइनर्स रिपोर्ट 2004। सो माइनर्स रिपोर्ट किसने दी थी? ये दी थी पोल माइनर्स ने दी थी, उसने अपने नाम के पे ही इसका नाम रखा था। क्या हुआ कि जो पहले वोटिंग सिस्टम होती थी वो क्या सारा जो काम होता था वो पेपर बेस्ड सिस्टम ही था। कोई किसी की प्रॉक्सी लगवा सकता था, कोई किसी की जगह पे आकर वोटिंग कर सकता था एज ए नॉमिनी। तो क्या हुआ, इससे बहुत सारे फ्रॉड होने लगे, बहुत सारे केसेस सामने आए, जिसकी वजह से जो हमारा वोटिंग सिस्टम था वो इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट नहीं था। सो इतनी सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए ये जो है सोचा गया कि भाई इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होना चाहिए। तो इन्होंने क्या बताया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है वो अप्लाई होना चाहिए कंपनीज के अंदर, सो दैट जो ये इंटरमीडिएटरीज की वजह से जो भी फ्रॉड हो रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इनको हम कम कर सकें और जो एक एफिशिएंट वे है वोटिंग सिस्टम का उसको हम अप्लाई कर सकें अपनी कंपनी के अंदर और जितने भी फ्रॉड्स हैं उनको हम रोक सकें। सो माइनर्स रिपोर्ट का बेसिकली सिर्फ यही पर्पज़ था कि जो हमारा वोटिंग सिस्टम है वो ऑनलाइन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड होना चाहिए, ना कि पेपर बेस्ड होना चाहिए, जिससे क्या होगा जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है वो अगर वो हम अप्लाई करेंगे तो जो प्रॉक्सी वोटिंग सिस्टम्स है, जो भी इंटरमीडिएटरीज आके बीच में फ्रॉड करते हैं, वो सारे कम हो जाएंगे और कंपनी अपना काम अच्छे से कर पाएगी। सारे जो भी ये वीकनेस थी जो हमारे पेपर बेस्ड वर्क की, ये सारी हम दूर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम अप्लाई करके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो ये था हमारा माइनस रिपोर्ट। Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe. Have a good day.